मेरे परम पिता शिव मेरे को जो चीज चाहिए मेरे पास बना आके पहुंचा दे। बस देख लो, एक बापू जी अंदर चले गए, दूसरे बाप परम पिता शिव ने भेज दिया आपको हर टाइम 1.5 घंटा सुबह रोज लगा के आती हूँ। अच्छा, तो ब्रह्मकुमारी सेंटर में जाती हैं ऐसा? हाँ, 9:30 जाती हूँ, 11 बजे घर आती हूँ। वाह, आधा घंटा मुरली पढ़ते हैं, 1 घंटा योग लगाते हैं। वाह, डेली का अपना। और खुश रहते हैं? मस्त। अच्छा, वेरी गुड। दोस्तों देखिए, जैसे गीता में भी कहा गया है कि मन मना भाव, मन मना, तो मन मना भाव और मध्याजी भाव, अर्थात कि मन ही मन प्रभु को सुमरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनसे हमारे मन को और आत्मा को शक्ति मिलती है, जिससे हमारा तन हम कभी भी प्रभावित नहीं होता है। खुश रहना हम सभी का मूल रूप से स्वधर्म है। जैसे हम खुश रहेंगे, हमारे अंदर वो खुशी की रेट एनर्जी रेडिएट होगा, हमारे इर्द गिर्द भी खुशी, पेड़ पौधा पक्षी जंतु जानवर, ये जो प्रकृति है पांच तत्वों का बना हुआ, इसमें सब कुछ समाया हुआ है, और इन सभी समाहित चीजों में स्वयं को अर्थात अपने आप को आत्मसात कर लेने से हमेशा आप आनंद की तरफ, प्रेम की तरफ, सद्भाव की तरफ, गुणों की तरफ आप बढ़ते हैं, और उस सबका मूल स्रोत है योग। अर्थात कोई ऐसा नहीं कह सकता कि योग नहीं करता है, योग करता है, लेकिन किसके साथ करता है? जिसके साथ करता है उसी के, उसको वही मिलता है। तो क्यों ना हम उस परमात्मा पिता को अपने मन और आत्मा से समर्पित कर अपने जीवन को आनंदित होकर के जिए। लास्ट में एक ही बात कहेंगे, माता जी आपने आपकी लंबी आयु की, दीर्घायु की हम कल्पना करते हैं, और आप जैसे माताएं भारत में सृष्टि की जननी है, पूरे विश्व के लिए मिसाल है, जो इस 77 वर्ष में जहां पे स्वास्थ्य के लेवल पे देखा जाए इतनी दवाइयां और इतने डॉक्टर और इतनी सारी चीजें, देखो कितनी कठिनाइयां देखने के बावजूद भी परम पिता शिव ने संभाला है, सिर्फ याद की यात्रा, ईश्वर की याद में बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है, सब कुछ मिलता है उसमें, याद तो बगैर ऐसे आलसी आदमी को कुछ नहीं मिलता, ये तो गीता में लिखा हुआ है, आलसी आदमी कुछ नहीं। दोस्तों आपने पता है आलस्य मनुष्यानां शरीरितो महान रिपु, अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और आलस्य कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं माता जी, आप पाकिस्तान से जब आए थे उसके विषय में थोड़ा सा बताइए आप। पाकिस्तान से तो उस टाइम 3.5 साल की थी, इतना तो बचपन आए थे तो कैंप वगैरह में रहे थे, वो स्मरण है कुछ? हाँ, कुरुक्षेत्र है, 1 साल कुरुक्षेत्र रहे, 1 साल हम समाना में रहे, 1 साल फाजिल्का में रहे। अच्छा, फाजिल्का में हमारा बिजनेस चलता था पाकिस्तान से, और उन्होंने पैसे नहीं दिए थे कि ये पंजाब हिंदुस्तान में आने वाला है, वो पाकिस्तान में आप उधर छोड़ के आओगे तो आपको पैसे हम बाद में देंगे, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाओगे हिंदुस्तान में, हिंदुओं को निकाल रहे हैं। 19,000 उस टाइम उन्होंने रख लिया था हमारा। फिर हमारे सीधे जैसे उधर से निकले सीधे फाजिल्का में चले, 1 साल बताया था। कैंप में कितने वर्ष रहे? फिर 1 साल, 1-1 साल रहे, 1 साल कुरुक्षेत्र रहे, 1 साल हमने समाना में काटा, 1 साल के बाद फिर जमीनें मिल गई गांव में, हर को अलग अलग जगह पर मिल गया, फिर उधर चले गए, फिर सेटल हुए। देखो सेटल होने में तो एक बार आदमी खाली हो जाता, सेटल होने में टाइम बहुत लगता है, ये तो आप लोग मान लो, माँ बाप भी, फिर जो रिश्तेदार मरे हुए थे उनको रोना, 16 साल की सिस्टर मेरी भी थी, भावलपुर मंदिर में उसको चोट लग गई थी, कुरुक्षेत्र आके उसने भी शरीर छोड़ दिया, मतलब दुख तो हमने बहुत देखे, इसमें कोई शक नहीं, माँ बाप तो रोते मार गए, सच बताती, पाकिस्तान इतने नौकर थे उनको काम करना नहीं आता था, तो वो चीजें भी उनको आके काटी, बहुत खाया उनको, काम करना उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, पर फिर भी चलो नौकर रखने आदत थी, जैसे जमीने मिली नौकर रखे, 10 हिस्से पर रखते थे, बटाई पर रखते थे, 10-10 साल हमारे पास एक ही गुना पड़ रहा है, ठीक है चलता है, खेती थी, पानी तो बगैर था, जैसे समय आया फसल आई बस दे दिया, तो गांव में तो सिस्टम भी होते, चमियार है तो चमियारों की माजरी लग गए, लोहार है तो लोहार लग गए, अभी जो सिस्टम चला है ना, एक कोटे हटा के जो काम किया ना, ये काम खराब हुआ है, हम लोग जो शिक्षा गाँव में देखा हमने, ये चमियारों की माजरी हो बस जानवरों को ले जाते थे, उनका चमड़ा उतारा, उनके जूते बनाए, हम उनके घरों का नहीं खाते थे, हमें सेठ गिना जाता था,
हमारे अपने सनातन धर्म अलग था। चूड़े जो होते थे वो सिर्फ गलियां साफ करते थे, सिस्टम था। अब तो हमारे फौज में गए हैं, कहीं भी गए, सब कुछ तो इकट्ठा मिला पड़ा। यानी कि देखिए, पहले का जो सिस्टम ये बनाया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो कर्मों के आधार पे भी, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि आज का जो सिस्टम है वो हर एक व्यक्ति को हर एक चीज करना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड सिस्टम। आपको अपना काम खुद करना है, आत्मनिर्भर बनना है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे माता जी, कि आज की जो युवा पीढ़ी है और पुरानी जो पीढ़ी है, 60 वर्ष से ऊपर के लोग और 20 वर्ष से के लोग के बच्चे के बीच में, आप क्या कहना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में अभी जो समझ है वो किस तरह की समझ है और किस तरह का समझ होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आजकल के बच्चों में आलस बहुत है। समय के मुताबिक ना माँ बाप उठाता है ना बच्चे आजकल के उठते हैं। पढ़ाई बहुत है, मैंने कहती कि पढ़ाई बिजी भी बहुत रहती है, बाकी उनको समय की वैल्यू, जैसे नहाने से कुछ नहीं होता, क्या हो गया, ना नहाएंगे तो खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, स्नान भी तीन दियो है, ब्रह्म स्नान, मानव स्नान, दानव स्नान, वेदों में लिखा हुआ। हाँ, जो स्नान जो सूर्योदय के बाद करते हैं, हाँ, वो मनुष्यों का स्नान नहीं है नॉर्मली। हाँ, हाँ, तो आप ये कहते हैं कि स्वच्छ रहे माना शरीर को, तन को, शरीर को, तन को, पहले सबसे बड़ा तन को ठीक रखने के गुण सीखना चाहिए हम लोगों को। गवर्नमेंट को भी यही सिखाना चाहिए जी, कि पहले तन को गुण, तंदुरुस्त रखने के गुण है। पहले उठो, पहले अपना फ्रेश होके नहाओ धोवो, नहा धो के फिर थोड़ी देर प्रार्थना करके फिर अपना नाश्ता करो, कुछ भी करो। आज का पुराने ये बच्चे नहीं मानते इन चीजों को, पहले तो अपने नहीं मानते, आगे आने वाले समाज को तो हम सिखा ही नहीं सकते। आप ये कहना चाहते हैं कि पहले माँ बाप सुधरे, आपका मतलब ये है? चलो, हमें तो परम पिता शिव ने इस रास्ते पर, हमारे तो नाना जी लगे हुए थे, हमें तो उनको देखा, मैं तो चल पड़ी उस रास्ते। बाकी आने वाले बच्चे जो हमारे है ना, अब हम बहू है उनको नहीं कह सकते कि हमारे वो बेटा का काम ऐसा था, कभी रात को 2 बजे आ रहा है, मैनेजर था, रात को 3 बजे आ रहा है, बोल सुबह लेट उठना है, उठाऊं तो फिर इन्होंने सबने बोला नहीं, वो बेचारा थक गया है, नहीं उठाना उसको, लेट उठना। उनके सिस्टम ही ऐसी थी, सिस्टम ऐसा था। अभी तो परम पिता शिव ने बदल दिया, मेरी प्रार्थना ने बदल दिया, सच बताती हूं। सच बात बताओ तो आपने जितना कष्ट देखा, तो अभी कष्ट के बाद जो सुख होता है, यानी कि दुख के बाद जो सुख होता है, तो आप अभी ऐसा कह सकते हैं कि आप स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं? अभी मेरे को लगता है कि जैसे सतयुग में भाव बोलते हैं ना, सतयुग में जाओगे, मेरे लगता है कि मेरा पैर जा रहा है सतयुग। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सतयुग के तौर, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, यही था कि हमने लगाया था कि सतयुग का अपने नजारा देखो, अंदर से नजारा देखो, वो अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। तो ऐसे कल्पना कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे। वाह, तो देखो ये दोस्तों, एक गाना मैं कहूं कि मुझे शब्द में एक चीज, इस माता जी की बात सुनकर के यह अनुभव हो रहा है कि शिव से नहिया लगाओ भोरो भोर, कि चलो भैया सतयुग की ओर, सतयुग, यानी कि सुबह का पल ऐसा है, सुंदर पल है, जो आपको एक नई दुनिया की, एक नई भारत की आपको प्रकृति साथ देती है, बहुत साथ देती है। आपको कड़ी पत्ता चाहिए, कुछ चाहिए, अपने आप हुए खड़े होते हैं गार्डन में। देखो कितना बढ़िया सुंदर गार्डन है माता जी का, केले उतरते हैं, गुच्छे उतरते हैं, अभी तो कोई देखभाल नहीं कर रहा, नहीं तो जब हम शुरू शुरू में देखभाल कर देते, मैं कहती किसी चीज की कमी नहीं होती थी, पालक इतने ढेर होंगे, अभी तो बंदर आने लगे, छोड़ दिया। अच्छा, तो आप कब चाह रहे थे, आप कब से चाह रहे थे कि मैं आपके यहाँ पे आऊँ, ये बताओ पहले। परम पिता शिव को पता, मेरे को नहीं पता कैसे भेजा। नहीं, आपने क्यों, आप मुझे जो बताया कि मेरा बड़ा एक मैग्नेटिक पावर आपके अंदर लगा, और मेरे को तो यही है कि भाई हमने पंजाब की जो हालत देखी, जब आप लोग सारे बड़े हो तो हमें मोदी जी अभी बताएं, उनको जाकर पहले संभाल ले, इस गदर से उनको पहले बचा ले। हमारा सनातन धर्म क्यों, हमारा तो परिवार बैठा है, हम तो किसी का दुख देख नहीं सकते हैं। मोदी जी को ये संदेश देना चाहते हैं, मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हो बताइए मोदी जी के पास? मोदी जी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सनातन धर्म वालों को पहले संभाल लो, सिखों के कोई ऐसा कार्यक्रम ना हो जाए कि जो हम लोग हर टम हार खा के बैठ जाए। हाँ दोस्तों, देखो इनका कहना ये है कि जो युद्ध है, वो युद्ध का जो मूल कारण है वो है जाति धर्म, और ये जाति धर्म जब तक नहीं खत्म होगा तब तक मानव के मूल ऊपर नहीं उठ पाएगा,
और धर्म और राजनीति की भूमिका और वर्तमान काल में दशा और दिशा के ऊपर काम करना ही होगा। इसीलिए धर्म से ऊपर उठ करके अध्यात्म मानव हित के लिए और मानवता के लिए काम करें, ये मोदी जी के लिए आपका संदेश। संदेश पक्का मेरा संदेश। चलिए, ये आपके संदेश में मोदी जी के पास तक पहुंचा। और अच्छा, इसमें मोदी जी ही क्या करेंगे, मोदी जी तो ऑर्डर देंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि निर्णय ले और ऐसा निर्णय जिससे समाज में, देखो ना अभी भी मुख्यमंत्री है ना उधर, अभी भी बहुत गदार है। तीन तीन महीने लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, जो प्राइवेट है तो ऐसे रखे हुए हैं जैसे पांच पांच सात सात हजारों में पढ़े लिखे हुए, किसी को परमानेंट करते नहीं है, जो परमानेंट बैठे बैठे हैं, मतलब दिक्कत बड़ी है अभी भी। लॉ एंड ऑर्डर्स की बहुत ज्यादा है वहाँ पे, समस्या है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पंजाब को जो हमारा सनातन धर्म है उसके लिए भी उधर अब सिखों का राज चल रहा है, मतलब देखा जाए तो मुख्यमंत्री सरदार है तो अपने हिसाब से चलेगा ना। हाँ। आप ये कहते हैं कि सनातन के हिसाब से, क्योंकि सनातन में सब समाया हुआ है, समाया हुआ है सब कुछ। उसमें देखें, प्रधानमंत्री को चाहिए कि उधर का भी ध्यान दे, उनको भी आप गरीबों को उठाने के लिए उनकी मदद चाहिए। उसने बहुत हम लोग बुरी हालत देखे, अभी भी हमारे घरों में बहुत गरीबी है। सच देखिए माता जी, आपकी बात हम उनके पास तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और साथ के साथ आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और दिल से दुआएं देते रहे। और मैं, आपने इतने स्नेह और प्रेम से हमें याद किया, बुलाया और हम आपके पास आए, और आपने इतना अच्छा बात हमें सिखाया कि कैसे जीवन में एक अलग होकर के एक अपनी पहचान हो, अपना जीवन हो। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार। हरिओम तत्सत, ओम शांति माता जी। हमने जो अभी बाहर आके देखा है ना, मतलब घरों से जो हमने देखा, बाहर आके देखा, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। फौज की नौकरी में नफरत तो बहुत आती थी, कहीं कहीं खाना खाने जाना है तो भाई फलाना है, बहुत नफरत आती थी, इनके हाथों का हम खाएंगे। और घरों में जो देखा हमारा अलग, मेरा नाना बोलता था, बोलते जिस दिन तुम लोगों ने शेड्यूल कास्ट का खा लोगे ना, तुम्हारे अंदर गिरावट आ जाएगी। वो दिल में इतना आ जाए दोस्तों, इसका शेड्यूल कास्ट का मतलब ये नहीं कि कोई जाति से है, यानी कि वो व्यक्ति जिनका भोजन शुद्ध नहीं है, वो चाहे किसी भी जाति के लोग हो, इनका जाति का कोई लेना देना नहीं है, इनकी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि माता जी जैसा आपने कल्पना किया है सटीक दुनिया का, ऐसी दुनिया बहुत ही जल्दी पूरा विश्व ही भारत है, पूरा विश्व ही भारत है, और स्वर्णिम दुनिया आई की आई। सबको एक बार, आप सबको एक बार फिर से पुनः प्रणाम, ओम शांति, हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, ओम शांति आपका। ठीक है, थैंक यू मानेगा।